हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जीवन और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक ये है कि आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आपका व्यूअर का सर्च रिजल्ट कैसे देख सकते हैं, मतलब आपका जो व्यूअर है, जो सब्सक्राइबर है, उन लोग आपका क्या सर्च कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आपको पता चल जाए तो कितना बढ़िया खुशी होगा। बताइए, मतलब आपको पूरा हर चीज आपको पता चल जाएगा, उन लोग मतलब क्या सर्च कर रहे हैं वो चीज, और मतलब उससे आपको क्या मिलेगा, आपको उससे मिलेगा कंटेंट मिलेगा, मतलब आपका टॉपिक मिल जाएगा, तो कितना बड़ा अच्छा होगा आपके लिए। आप मान लो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कहाँ से लाओ टॉपिक, कहाँ से, और वो वायरल भी हो सकता है। क्यों? उन लोग सर्च करके देख रहे हैं, मतलब आपका ही व्यूअर लोग, आपका ही सब्सक्राइबर लोग। तो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो आज इस वीडियो में पूरा डिटेल्स बताऊंगा। तो यूट्यूब का एक फीचर है कि मतलब आप जो भी आपका मतलब जो व्यूअर लोग देख रहे हैं, जो जो सर्च करते हैं वो आप देख सकते हैं बिना उनका फोन छुए वगैरह और बिना उनके मोबाइल यूज किए वगैरह। तो क्या फीचर है, कैसे काम करता है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे है, आप कैसे यूज कर सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको भी लगता होगा कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि कोई मतलब आपका व्यूअर कहाँ पे सर्च कर रहा है, कैसे सर्च कर रहा है, तो आपको पता चल जाए। मतलब आपको लगता होगा कि ये मतलब फेंक रहा है, ऐसे झूठ बोल रहा है, हो सकता है कि ऐसा थिंकिंग आ रहा है। लेकिन आज इस वीडियो में पूरा प्रूफ दिखा दूंगा कि ऐसा आप देख सकते हैं, कर सकते हैं, और उसी से आपका आसानी रहेगा, आपका टॉपिक भी मिल जाएगा। तो क्या प्रोसेस है, कैसे करेंगे, सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए डायरेक्ट मोबाइल स्क्रीन पे, वहीं पे डायरेक्ट बाकी का प्रोसेस बताता हूँ। तो मोबाइल पे आने के बाद आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब चैनल को डेस्कटॉप मोड पे खोल लेना। मैं पहले खोल लेता हूँ। तो खोलने के बाद आपको यहाँ मिलेगा जो एनालिटिक का आइकन, उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे जो बार जैसा मतलब मिलता है, जो ओवरव्यू, कंटेंट, ऑडियंस, रिसर्च, तो आपको रिसर्च पे क्लिक करना है। रिसर्च करने के बाद फिर ऐसा इंटरफेस आएगा, उसमें लिखा रहेगा सर्च अक्रॉस यूट्यूब योर व्यूअर सर्च, मेन चीज वही है, और यहाँ मिलेगा सेव। तो आपको कहाँ जाना है, जो यही लिखा है जो योर व्यूअर सर्च, तो वहां पे क्लिक करना। क्लिक करके आप देख सकते हैं कि उन लोग क्या सर्च करके, ये पूरा जेन्युइन है। आप भी अपना मतलब चैनल खोल के देख सकते हैं, अगर आपको भरोसा नहीं है तो देख सकते हैं जो जो मतलब उन लोग सर्च किए, और उससे बेनिफिट ये आप देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे दिखा रहा है सर्च वॉल्यूम ऑन यूट्यूब, मतलब सर्च वॉल्यूम जो जितना मतलब सर्च कर ले, मतलब देख सकते हैं ये हाई है, तो ये मतलब ये जितना मतलब ये सर्च किए, जैसे कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाए, तो ये मतलब सर्च करके देखा है मेरा व्यूअर ने, तो हाई रिकमेंड है, मतलब उसका मतलब ज्यादा सर्च है, मतलब वो बार बार सर्च कर ले। और आप देख सकते हैं यहाँ मीडियम है, तो मतलब वो कम मीडियम, मतलब बहुत ज्यादा लोग नहीं कर रहे हैं, और मतलब कम कर रहे हैं, मतलब मीडियम हिसाब से, आप समझ रहे हो ना, ऐसी टाइप का। तो इतना ही था। तो वीडियो देख के तो आपको समझ आ गया होगा कि प्रोसेस क्या है, कैसे कर सकते हैं, कैसे आप जा सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। तो पूरा ये जेन्युइन फीचर है, यूट्यूब ने खुद ही ऐसा फीचर प्रोवाइड किया है, तो आप इस चीज का जरूर फायदा उठाएं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपका व्यूअर जो सर्च कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं, मतलब मान लो आपका व्यूअर क्या सर्च कर रहे हैं वो देख सकते हो, तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकता है। तो इस चीज का जरूर फायदा उठाएं, तो आपका एक तरह से मतलब आपका टॉपिक भी बन जाएगा और आपका वीडियो भी बन जाएगा। तो टॉपिक का क्या हो गया, मतलब जो सर्च कर रहे हैं वो आपका टॉपिक हो गया, और वीडियो आप जो बना के दोगे, तो उससे आपको बड़ी बात क्या हो सकता है आपका वीडियो वायरल भी हो सकता है, क्योंकि आपका जो व्यूअर्स मतलब सर्च कर रहे हो वो आपका मतलब वीडियो पे होगा, तो वो ज्यादा बेनिफिट है। तो ये मेरा छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, न्यू चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।